दोस्तों, मैं सुरिंदर चौधरी, SSGD 2018 का अभ्यर्थी। पिछले 2-2.5 महीने से हमारा जो प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली में, वो मुद्दा हमारा बहुत आगे तक जा चुका है। डिपार्टमेंटली, गवर्नमेंटली सब जगह पे पहुंच चुका है। चाहे उसका रिस्पांस उधर से आए ना आए, पर ये मुद्दा हमारा पूरी तरह फैल चुका है, सब जगह पे पहुंच चुका है। और मैं उन सब पहले तो उनका धन्यवाद करूंगा जो मेरे भाई बहन पिछले 2-2.5 महीने से दिल्ली में बैठे हैं। उनके जज्बे को सलाम करता हूँ कि ना उनके पास रहने की जगह, ना खाने की, ना कोई पैसे की व्यवस्था है। और जो पहले मेरे भाई बहन आए हुए थे, उनसे निवेदन करता हूँ जो घर में अभी बैठे हैं कि 10 तारीख को पहुंचिए, फिर अनुशासन पर बैठने जा रहे हैं, भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। और हमारी संख्या बल बहुत कम है, संख्या बल भारी होगा तो दबाव बनेगा गवर्नमेंट पे। हमारे पास ये लास्ट चांस है। और मेरी जो 25 मार्च की जो वैकेंसी आउट होनी थी, उस पर मेरी किसी से बात हुई है, उन्होंने यही बताया है कि जो SSGD का 2018 का मुद्दा चल रहा है, उसी को देखते हुए इस पर रोक लगाई गई है। जब तक उसका समाधान नहीं होता, तब तक ये वैकेंसी आउट नहीं करेंगे। तो हमारे पास यही लास्ट चांस है कि जिस चांस को आप हाथ से मत जाने दीजिए। जो घर पे बैठे हैं या इधर दिल्ली में बैठे हैं, आसपास कहीं भी जो आए थे पहले, वो चले गए वापस, वो 10 तारीख को पूरे पहुंचने की कृपालता करें। भारी संख्या होगी तो गवर्नमेंट पर दबाव बनेगा। लास्ट चांस है, इसी पे हमें कामयाबी मिल जाएगी। कामयाबी पाने के लिए घर से तो निकलना पड़ता है दोस्तों, तो अपने घर से निकलो, अभी निकलो और भारी संख्या में दिल्ली में पहुंचने की कृपा करें। और भूख हड़ताल पे बैठने जा रहे हैं, बस दबाव पूरा बना हुआ है। कुछ कमियों के कारण हम ये मुद्दा हमारा, मतलब हम सक्सेस नहीं हो पाए अभी तक, वो कमियां भी हमारे में दोस्तों, किसी और में नहीं। तो आप भारी से भारी संख्या में दिल्ली पहुंचने की कृपा करें। और गवर्नमेंट को यही दिखाना है कि जो युवा है वो सब कुछ कर सकता है। तो सभी से यही है कि घर से निकलें, बहन भाई जितने भी हैं, और दिल्ली में भारी संख्या में पहुँचने की कृपा करें। जय हिंद।